मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। और आज हम जा रहे हैं खेलने के लिए। फिलहाल तो मैं ऑफिस जाऊंगा और सुबह के 5:30 बजे हैं अभी, और 6 बजे ऑफिस निकलना है। जैसे कि मैंने यस्टरडे के ब्लॉग में बताया था कि रायपुर का टूर्नामेंट पोस्टपोन होके 26 जनवरी को हो गया है, तो अभी आज मैं जा रहा हूँ। अभी तो मैं ऑफिस जाऊँगा, उसके बाद ऑफिस से सीधा रायपुर टूर्नामेंट में जाऊँगा, और यहाँ से हमारा लाइव भी चलेगा आज अभी पेज पे ऑल इंडिया अंडर एंड वॉलीबॉल। अभी पेज का लिंक नीचे दे रखा है, उसे फॉलो कर ले आप। उस पर लाइव मैच चलते हैं टूर्नामेंटों के, और अभी यहाँ से लाइव चलाने के लिए कुणाल पवार जाएंगे, सतेंद्र हुड्डा जाएगा। जल्दी जाना है लाइव चलाने के लिए, तो मैं जाऊँगा सीधा ऑफिस से सीधा रायपुर बावल, तो वो भी दिखाएंगे आपको। ब्लॉग में बने रहे, बहुत ही अच्छा ब्लॉग होने वाला है। मैच भी बताएंगे आपको सभी कैसे कैसे लगने हैं, और अपनी टीम भी जा रही है खेलने के लिए, वो भी दिखाएंगे आपको। चलिए फिर, और काफ़ी इंजॉय होगा। रास्ते का दिखाते हैं, बस वगैरह से जाना होगा क्योंकि गाड़ी से तो जाएंगे सत्येंद्र और ये सभी, और बाकी अभी दिखा लेते रख लिए हैं। ये पहले जो बनवाया था यहीं से, और न्यू वाला भी रख लिया है। ये मैच जो भी अच्छा होगा उसको रिकॉर्ड करेंगे और लाइव चलेगा अपना एपी पेज पे। लिंक नीचे दे रखा है, फॉलो कर लें पेज को भी। चलिए अभी मिलते हैं जो जो से। हेलो, ये चल हाथ मिला हाथ। ये कपड़े गंदे हो जाएंगे ना। चल चल चल, जो ठीक 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 ठीक। चलो गाइस मिलते हैं, अभी ऑफिस निकल रहा हूँ जल्दी जल्दी। हाय, आना है आना है। चलो मिलते हैं। आज रात के जाना पड़ता है 26 जनवरी को, मेरी परेड होगी वहाँ पे, गाड़ी खड़ी है वेट कर रही है। भाग के जाना पड़ रहा भाई, 500 मीटर की रेस। ये खड़ी गाड़ी, ये खड़ी गाड़ी, और जाएंगे मिलते हैं। हाँ तो गाइस, फाइनली टाइम से पहुंच गया ऑफिस, और थोड़ा धुंध है आज भी, ठंड भी बहुत ज़्यादा है आज कल के मुताबिक। तो अभी ऑफिस के बाद तो जाना है यहीं से सीधा रायपुर बावल टूर्नामेंट में। मैं यहीं से जाऊंगा और जो प्लेयर हैं मेरे साथ वो आएंगे गाँव से, जैसा कि मैंने बताया था। अभी पहुंच गए ऑफिस, बिल्डिंग देखी होगी। चलिए दिखाते हैं अंदर का क्या माहौल है। और आज रिपब्लिक डे है, ये सेलिब्रेशन करेंगे उसका ऑफिस में, वो भी दिखाएंगे आप सभी को। एंड तक जरूर देखेंगे। ये स्टैंड अपना मेन होता के सीधा ऑफिस में मिलते हैं गाइस। जानी मन ये सुना, ये सुना, ये फ्लैग लगाया जा रहा है, तैयारी की जा रही है रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन की, यहाँ पे होगा। और देशभक्ति सॉन्ग चल रहे हैं ऑफिस में, करती है मेरी। तो अभी निकल गया था मैं ऑफिस से, और अभी जाना मेरे को यहाँ से राजीव चौक गुड़गांव, वहाँ यहाँ से ऑफिस से लगभग 7-8 किलोमीटर पड़ेगा। और उसके बाद राजीव चौक गुड़गांव से बावल जाना है सीधा बस से, तो लगभग 2 घंटे लग जाएगा टाइम बहुत ज़्यादा। देखते हैं, दिखाएंगे आपको रास्ते में, और मैच भी बताएंगे कैसे कैसे लगने। चलिए फिर एंड तक ज़रूर देखें। ऑफिस से फिलहाल निकल गया हूँ मैं, जल्दी मिलते हैं गाइस रास्ते में। गाइस ऑफिस की बिल्डिंग देखो, इतनी ऊँची है।
लॉस, बहुत ही सुंदर लगती है। और हाँ तो गाइस मैं पहुंच गया हूँ अभी पावल, और ये पावल बस स्टैंड है। कोई भी बस तो एक ही नज़र आ रही है, परंतु सवारी नहीं दिख रही एक भी। यहाँ पावल बस स्टैंड है। फिलहाल मैं जा रहा हूँ टूर्नामेंट खेलने के लिए, अभी यहाँ पे आने वाला है। कोई ऑटो वगैरह तो जाता नहीं है, ऑटो वगैरह नहीं जाता है, गाड़ी ले कर आ रहा है। तो लगभग 1.5 घंटा लगा था मुझे ऑफिस से निकलने के बाद, तो अभी 3 बज रहे हैं। चलते हैं फिर और दिखाते हैं ग्राउंड के नज़ारे। मैच भी मिलेगा जो भी है, मिलते हैं। लाइव अपना चल रहा है अभी पे, बढ़िया मस्त, मिलते हैं गाइस। चलिए हाँ तो गाइस अभी मैं आ गया हूँ रायपुर जो सड़क जा रही है, और एक समस्या हो गई है भाई, यहाँ से कोई ऑटो नहीं जाता। रायपुर गाँव यहाँ से 5 किलोमीटर है, बाकी मैंने बोला है गाड़ी लेके आने के लिए, पर ट्राई मारते हैं किसी से लिफ्ट लेते हैं। बाइक वगैरह आएगी तो वो भी दिखाएंगे आपको, ग्राउंड में पहुंचने के बाद भी दिखाएंगे। 5 किलोमीटर है यहाँ से, मिलते हैं फिर आपसे। अच्छा सही है, टेंट का काम है आपका है? भाई वो अभी भाई मिल गया था रायपुर गाँव के पास, गुड़गांव से आया था एक्चुअली में ना, तो मेरे साथ के तो आ गए थे पहले ही खेलने के लिए, अभी ड्यूटी करता है ना, तो भाई ने हेल्प की। चलिए फिर ग्राउंड पे। हाँ तो गाइस बाइक वाले भाई ने वहाँ पे उतार दिया था, वहाँ से 1 किलोमीटर दूरी पे है अभी ग्राउंड, तो मैं पैदल ही जा रहा हूँ। रास्ता एकदम कच्चा रास्ता है, और ये देखिए झुंडे यहाँ पे दिखाते थे। हाँ तो गाइज मैं पहुँच गया था अभी रायपुर बावल टूर्नामेंट में, और यहाँ पे लगे हुए हैं ग्राउंड, 3 ग्राउंड है, 2 नंबर ग्राउंड, 3 नंबर ग्राउंड वो पीछे, और ये 1 नंबर ग्राउंड, ये स्टेज है। बहुत ही अच्छा अरेंजमेंट है, 3 ग्राउंड है। टोटल टीम कितनी है मोनू? टोटल टीम मेरे साथ है मोनू, नजफगढ़ से। लाइव टेलीकास्ट करते हैं FB पे और यूट्यूब चैनल भी, भाई का नितिन है भाई, अंकित पथरेडी टीम में, चिराग भाई है, अभी रिसेंटली टूर्नामेंट जीता है भाई ने, और नरेश भाई है, भाई राम राम, भाई का स्वागत है। और भाई बहुत अच्छे मैच लगेंगे, जो भी मैच लगेंगे अच्छे वो रिकॉर्ड किए जाएंगे और यूट्यूब चैनल पे डाल दिए जाएंगे, मेन चैनल पे, और भी बातें करेंगे सभी से। अभी तो फिलहाल मैच है अंकित पथरेडी का, वो भी लाइव चलाना, अपना लाइव चल रहा है, देख सकते हैं भाई। भाई एक मैच करते हैं, अंकित पथरेडी और दूसरी टीम कौन सी है पूछ लेंगे अभी, बता देंगे। किस जोन से नाली किस से लाइव पे बैठे हैं प्रिंस पवार, कुणाल पवार। चलिए मिलते हैं गाइस। गाइस मैच चल रहा है जोन सिन्हा रेवाड़ी वर्सेस नोएडा, और एक समस्या आ गई, फाउल दे दिया मीटिंग फाउल, जो कि कमी देखा जाता है टूर्नामेंटों में, परंतु अभी कॉमन कर दिया ना, कॉमन ना, तो मीटिंग फाउल दे दिया भाई। बहुत ही दुविधा है ये मीटिंग फाउल, तो काफी दिनों बाद देखा है मीटिंग फाउल, काफी दिनों बाद देखा विकास जी। हाँ ले 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 खेल। तो गाइस मीटिंग फाउल दे दिया, और मैच फिर से करने वाले थे अभी कर दिया। तो गाइस अभी एक सेमीफाइनल वहां पे चल रहा है, और यहां पे देखो महिला दर्शक भी है यहाँ पे, टूर्नामेंटों में बहुत ही कम मिलता है, महिला दर्शक भी है यहाँ पे, देख सकते हैं आप। और इधर चल रहा है सेमीफाइनल, दूसरा सेमीफाइनल अभी होगा, वो भी दिखाएंगे अपनी टीम। ये इंडरी वाले बंदे सभी भूख लग रही है मुझे भी, चले खाना दिखाते हैं भाई, खाना खाने। हाँ तो भाई टूर्नामेंट सम्पन्न हुआ, फर्स्ट रही जॉन सीना,
रेवाड़ी की टीम, सेकंड रही डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो अलग से वीडियो बन जाएगा, वो मेन चैनल है ऑल इंडिया अंडर हैंड वॉलीबॉल, उस पर मिल जाएगा। और जो मैच हुए थे वो रिकॉर्ड किए गए हैं, अभी प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन का भी दिखा देंगे। चलिए रास्ते में मिलते हैं गाइस। हाँ तो गाइस अभी टाइम क्या हुआ है भाई प्रिंस पवार, 8:14 का टाइम हुआ है और जो रायपुर बावल टूर्नामेंट में हम आए हुए थे वो हो गया संपन्न। फाइनल मैच हुआ टीम अंकित पथरेड़ी वर्सेस जॉनसीना रेवाड़ी के बीच, और फर्स्ट रही जॉनसीना रेवाड़ी टीम, सेकंड रही। बहुत ही अच्छा टूर्नामेंट रहा, अरेंजमेंट अच्छे थे, खाने पीने का व्यवस्था अच्छी थी, 3 नेट लगा रखे थे और लाइव टेलीकास्ट बहुत ही अच्छा रहा अपना। काफी दिनों बाद लाइव टेलीकास्ट हुआ ऑल इंडिया अंडर हैंड वॉलीबॉल फेसबुक पेज पे, और भाइयों ने बहुत ही सम्मान किया लाइव टेलीकास्ट के लिए, भाई आशुतोष का और मेरा सम्मान किया भाइयों ट्रॉफी के साथ। ये देखिए काफी बड़ी ट्रॉफी है, और प्राइज कुछ भी हो, पैसे कितने भी मिल जाए टूर्नामेंटों में, बट जो सम्मान होता है वो सबसे बड़ा होता है और बहुत ही अच्छी बात है। और सबसे बड़ी बात ये कि सभी प्लेयरों को जिसको भी सम्मानित किया था या प्राइज दिया था, सभी प्लेयरों को ट्रॉफी के साथ साथ भगवत गीता का एक बुक दी थी, सभी को श्रीमद् भागवत गीता दी थी। तो अभी हम निकल चुके हैं घर के लिए, लगभग यहाँ से 1.5 घंटा लगेगा, और मेरे साथ हैं सतेंद्र हुड्डा जो कि घर से आए थे सीधे यहाँ पे लाइव टेलीकास्ट करेंगे, पहले ही आ गए थे ये 12 बजे, और मैं सीधा जैसा आपने ब्लॉग में देखा सीधा गुड़गांव से ऑफिस से आया था। और पीछे हैं दिखाओ रे चेहरा, कुणाल पवार, गौरव हुड्डा, प्रिंस पवार। अभी हम सीधा डिनर करेंगे तब आपसे मिलेंगे, चलिए फिर। हाँ तो गाइस हम आ गए थे रायपुर टूर्नामेंट खेल के, और अभी मस्त डिनर कर रहे हैं यहाँ पे, और यहाँ पे शर्त लगी है हरी मिर्च खाने की। सतेंद्र हुड्डा 2 मिर्च खाने के लिए बोल रहा है, हरी मिर्च, तो फर्स्ट मिर्च खा रहा है सतेंद्र हुड्डा। चैलेंज लगा, अगर 2 मिर्च खा जाएगा तो पार्टी देगा कुणाल पवार। तो 1 मिर्च तो खा गया है भाइयों, देख रहे हो जैसा कि आप, दूसरी मिर्च भी दे रहे हैं और ये एक ही बार में खा गया। वाह भाई वाह, सतेंद्र हुड्डा वास्तव में जबरदस्त परफॉर्मेंस। 2 हरी मिर्च, चरपरी, बहुत ज़्यादा चरपरी है, मैंने भी टेस्ट की थी, काफ़ी चरपरी है। और अभी प्याज खाने के लिए उतावला, मुँह जल रहा है बहुत तेज सतेंद्र हुड्डा का, और ये देखो कैसी हालत हो गई है। बाकी सर तो जीत गया है, देसी ठाट पे पार्टी देगा कुणाल पवार। और ये नींबू बहुत बुरी हालत हो जाती है भाई, बहुत चरचरी मिर्च थी, और ये देखिए किस तरह से क्या हालत हो गई है, प्याज खा रहा है अभी बहुत ही मज़ेदार बात। ये देखिए तो 2 मिर्च खा गया भाई, वास्तव में हिम्मत की बात है, हमसे तो नहीं हो गए। ये गौरव हुड्डा, कुणाल पवार, प्रिंस पवार, शर्त लगी थी तो अभी मस्त डिनर कर रहे हैं यहाँ पे, और यहाँ से निकलेंगे अभी गांव में, और यहाँ से लगभग पड़ेगा 13 किलोमीटर, आधा घंटा लग जाएगा, और मिलते हैं फिर घर पे चल के। चलिए फिर, कुछ भी नहीं हुआ, सतेंद्र हुड्डा बोल रहे तो ये हरी मिर्च खाई थी भाई, नींबू के साथ 2 हरी मिर्च खा गया भाई, हिम्मत की बात है। पार्टी करेंगे वो भी अलग ब्लॉग में, और ये आ गई मस्त कढ़ाई पनीर, दाल तड़का विद रोटी, अभी मस्त डिनर करेंगे और फिर मिलेंगे घर पे आपको। चलिए गाइस, हाँ तो गाइस अभी हम पहुंच गए घर, और टाइम हुआ है 12 बज गए रात के भाई, काफ़ी लेट हो गए, और आज तो पूरा थक गया मैं क्योंकि ऑफिस गया था, वहाँ से फिर बस वगैरह से टूर्नामेंट गए थे। जैसा कि अब अभी सोने की तैयारी है,
और ये बंदा पढ़ रहा है कुणाल में, अभी भी पढ़ रहा है 12 बजे आते ही, मतलब दिखावा कर रहा है या तो मेरे आगे या फिर सही में पढ़ ही रहा है, होमवर्क कर रहा है स्कूल का, क्योंकि दिन में तो वहां था टूर्नामेंट में। कल का पेपर ही है, टूर्नामेंट में जा रहा है, कल का पेपर है। देखो गाइस, तो अभी और ये मशीन रखी है अपनी गांव में जो अक्सर लोग पीते हैं, और इसके जो आँच बना रखी है कहाँ है वो भी दिखा देता हूँ अभी। आइए ये देखो जुगाड़ कर रखा है पूरा, पार्टी हो गई यहाँ पे। ये देखो और जो जयपुर की पार्टी होगी, कैसे कैसे क्या क्या हार गया यार, मेरे से हाथ लगाई ना, दो जॉन्टी पैड फोन उठा लेगा दो बार में, एक बार का अरिफ ने फोन ना उठाया जॉन्टी ने। सो गाइस अभी मैं इस ब्लॉग को एंड करूंगा। आई होप आप सभी को पसंद आया होगा ब्लॉग, और पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, नए चैनल पे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट ब्लॉग में, और सभी को गुड नाइट, राम राम। राम राम जी, राम राम सतेंद्र जी, अच्छा रोल था आज के वीडियो में, अच्छा रोल था आज के वीडियो में, दो दो मिर्च खा गया, दो मिर्च खाई पार्टी। चलिए गाइस मिलते हैं फिर, राम राम सभी भाइयों को।